सभी लोगों को प्रणाम। अभी 8 बज रहे हैं और अभी अभी हम चंपारण की ओर जो है निकले हैं। आप सब लोगों को पता है बिहार में लगभग 14 जिले जो हैं वो प्रभावित हैं और 109 प्रखंड जो है वो प्रभावित है। लगभग 972 पंचायत जो है वो प्रभावित है और 40 लाख से भी ज़्यादा लोग जो है प्रभावित है। और 40 लाख लोग जो प्रभावित हैं तो बिहार सरकार मात्र जो है 19 राहत शिविर जो है वो चालू किया है और 19 राहत शिविर में केवल जो है 26,000 लोग जो हैं वो रह रहे हैं। कहाँ 40 लाख इतनी बड़ी संख्या से बाढ़ से लोग प्रभावित हैं, जहाँ हजारों पंचायत जो है प्रभावित हो चुका है, उसमें केवल 19 राहत शिविर चालू किया गया है और केवल 26,000 लोग जो हैं वो रह रहे हैं। हमारा सवाल बनता है कि सरकार जो है ज्यादा से ज्यादा सामुदायिक किचन जो है वो चालू करे, राहत शिविर जो है वो चालू करे। अभी जो स्थिति बनी हुई है, जो बाढ़ में जो लोग प्रभावित हैं वो अपने अपने छतों पे रह रहे हैं। कई लोग जो हैं अभी जहाँ पूर्वी चंपारण हो, पश्चिमी चंपारण हो, उस इलाके में मैं अभी निकला हूँ, दौरा करूँगा, बाढ़ पीड़ितों से मिलूँगा, वहाँ बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पे आ गए हैं। जो मुख्य सड़क है NH का है या SH का है, जहाँ भी उनको जगह मिल रही है, सरकार जो है उनको प्लास्टिक भी मुहैया नहीं करा पा रही है। तो कैसे कैसे लोग अपना खुद ही जुगाड़ करके अपनी रहने की व्यवस्था कराते हैं। तो अभी हम बस निकले हैं, मुजफ्फरपुर हम पहुंचने वाले हैं। इसके बाद जो है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जो है वहाँ बाढ़ पीड़ितों से जो प्रभावित क्षेत्र है उसकी मुआयना करने हम लोग जाएंगे। लेकिन दुख की बात है कि अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी, 136वां दिन है, वो अभी तक घर से बाहर नहीं निकले हैं। उनके पास हेलीकॉप्टर भी है, फिर भी जो उन्होंने हवाई सर्वेक्षण तक नहीं किया है अब तक। मेरे ख्याल से बिहार के इतिहास में पहला मुख्यमंत्री होंगे कि बाढ़ त्रासदी में, महामारी में ये अपने घर में ही हैं और घर के बाहर अब तक निकले नहीं।